Hi, our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall. Our greatest glory is not in never falling, but rising every time we fall. This is the Hindu, this is the Indian Express, both Delhi edition, and these are the articles that we are going to talk about. First is COVID-19 and examination. Second hai loan moratorium scheme. थर्ड इज़ अबाउट दिल्ली पुलिस, ये नया एक ई बीट सिस्टम लॉन्च हो रहा है. फोर्थ इज़ अबाउट स्क्वीज्ड बाय कोविड सैलरीज ऑन होल्ड. व्हाई? बिकॉज रेवेन्यूज ड्राइड अप हो गए हैं. जीएसटी काउंसिल मीट आज होने वाली है. फिफ्थ इज़ अबाउट सोबरिंग असेसमेंट 3 weeks बिफोर. दिस इज आरबीआई रिपोर्ट ऑन इकोनॉमिक दिस कंडीशन ऑफ कंट्री. सिक्स्थ इज़ अबाउट पेरल्स ऑफ प्री मेच्योरली इम्पार्टेड लिटरेसी. हर चीज़ का एक टाइम होता है. प्री मेच्योर इम्पार्टेड लिटरेसी के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं. देन एट्थ इज़ अबाउट मेकिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स सक्सेसफुल. इसमें हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे. एंड दिस टाइम इनकन्सिस्टेंसी प्रॉब्लम, सवाल जो उठता है वो होता है दिस क्रेडिबिलिटी का. नाइन्थ इज़ द अनचार्टेड टेरिटोरी ऑफ आउटर स्पेस. इसमें हम बात करेंगे जो आउटर स्पेस है, जो 2050 तक $2.7 trillion का बिजनेस होने वाला है, इसमें इंडिया को और वर्ल्ड को किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए. टेंथ इज़ अबाउट टाइगर्स टू डांस इन साइबर स्पेस दिस ओणम. दिस इज पुल्ली कली. नीति आयोग, एक्सपोर्ट इंडेक्स, वाई आरबीआई. आरबीआई ने इस बार सरकार को कम पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, सरप्लस कंटिजेंसी फंड में ज़्यादा ट्रांसफ़र किया है, इसका रीज़न क्या है. एंड देन दिस इज़ ग्रोथ इन डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स में एंटर नेगेटिव जोन इन फाइनेंशियल ईयर 21. और ये है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, एंड दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन नेक्स्ट अराउंड 35 to 40 minutes. ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. जो ये न्यूज़ हेडलाइन है, दिस इज़ अबाउट एग्जामिनेशन एंड COVID-19. एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना चाहिए या फिर इनको पोस्टपोन करना इज़ अ वाइज डिसीजन. जेई और नीट के एग्जामिनेशंस हैं अभी सितंबर में. अभी डिबेट चल रहा है कि ये एग्जामिनेशन होने चाहिए या फिर इनको पोस्टपोन करना चाहिए. अगर फॉर की बात करें तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स कि COVID-19 जो है हियर टू स्टे. ऐसा नहीं है कि आज से एक महीने बाद, दो महीने बाद चीज़ें इम्प्रूव होगी. COVID-19 इज़ हियर टू स्टे जब तक वैक्सीनेशन या कुछ ऐसा सॉलिड हमें डेवलपमेंट नहीं होते हैं. नॉर्मलसी रीस्टोर करना ज़रूरी है, बिकॉज लॉकडाउन का जो अप्रोच हमने फॉलो किया था, इसके बहुत ज़्यादा रिपरकशंस हुए हैं, कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं. नॉर्मलसी रीस्टोर करना इज़ एसेंशियल. थर्ड है एकेडमिक ईयर कॉम्प्रोमाइज होगा. इस साल के जो बच्चे हैं, देन नेक्स्ट ईयर के बच्चे भी आ जाएंगे. देन फिर इतने सारे स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करना, एकेडमिक ईयर पुश होना, ये कॉम्प्रोमाइज़ होगा. देन बेटर प्रिपेयर्ड फॉर COVID-19 है. मार्च अप्रैल में भी सिचुएशन थी, इट वाज नॉट गुड, बट सितंबर में द गवर्नमेंट इज़ क्लेमिंग कि हम बेटर प्रिपेयर्ड हैं, बेटर स्टैंडर्ड दिस प्रोसीजर्स प्रोटोकॉल हम फॉलो कर सकते हैं COVID-19 की फाइट में. वी अंडरस्टैंड इट बेटर, सो हम एग्जाम्स कंडक्ट करा सकते हैं. ये आर्ग्यूमेंट्स हैं बाय दिस गवर्नमेंट. अगेंस्ट की बात करें तो अभी हम पीक अप्रोच कर रहे हैं. सितंबर अक्टूबर पीक अप्रोच हो रहा है, तो इस टाइम पे COVID-19 का जब पीक आ रहा है, तो इमेजिन इतने सारे स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स ही नहीं होते हैं, उनकी पूरी फैमिली होती है, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा. हेल्थ केयर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकते हैं. स्टूडेंट्स, नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट देयर फैमिली लाइफ एट रिस्क है. प्लस जो दूसरे सर्कमस्टेंसेज हैं, जैसे फ्लड लाइक सिचुएशन है, प्लस COVID-19 के कारण लॉकडाउन है, देर आर सो मैनी ट्रैवल का चैलेंज है, ट्रेन ओपन नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, सेंटर्स काफ़ी कम होते हैं, जैसे पूरे स्टेट में 2-4-5 सेंटर्स हैं, और इसमें लैक्स ऑफ पीपल आएंगे, वहाँ पे होटल्स अकोमोडेशन नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर है. हेल्थ केयर कॉम्प्रोमाइज्ड. एटमोसफियर अभी नॉन कंड्यूसिव है. और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मेंटल एंड इमोशनल ट्रामा, बिकॉज ये करियर डिफाइनिंग एग्जाम्स होते हैं. ये जैसे जेई और नीट के जो स्टूडेंट्स होते हैं, देर बच्चे लोग हैं, ये काफ़ी कम एज के हैं ये, तो यहाँ मेंटल एंड इमोशनल ट्रॉमा बहुत ज़्यादा होता है. तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट एज वेल. करियर डिफाइनिंग एग्जाम्स हैं ये. सो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल एंड वाइज थिंग कि दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर सच हाई लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का. एटमोसफियर इज़ नॉट कंड्यूसिव.
ये जो एकेडमिक ईयर कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसमें सम पीपल आर सेइंग कि वी कैन रीएडजस्ट एकेडमिक ईयर, पोस्टपोन करें, कैंसिल नहीं करें, पोस्टपोन कर सकते हैं, लेट्स वेट फॉर सम मोर टाइम, लेट्स गिव देम सम मोर टाइम। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं फॉर में और अगेंस्ट में। COVID-19 का जो इम्पैक्ट है सोसाइटी में, ये डिफ्रेंशिएटेड है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी होता है वो हैव है, दूसरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है वो हैव नॉट है, और इसमें क्लियरली डिजिटल डिवाइड है। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन सेक्शन ऑफ जो स्टूडेंट है, दे कैन ईजिली गेट दिस इंटरनेट एक्सेस, ऑल फैसिलिटीज, स्टूडेंट्स, एवरीथिंग, प्रॉपर रूम्स हैं उनके पास, वो घर में अच्छे आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। देर इज़ अनादर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जो अभी फ्लड लाइक सिचुएशन में डील कर रहे हैं, दे डू नॉट हैव दिस इंटरनेट एक्सेस। आई कीप ऑन गेटिंग सो मेनी मैसेजेस, अभी बिहार फ्लड्स वगैरह के कारण स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू वॉच वीडियोज एंड दे आर नॉट एबल टू गेट दिस एक्सेस ऑफ दिस डिजिटल कंटेंट। तो डिफ्रेंशिएटेड है, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है, डिजिटल डिवाइड इज देयर। तो अगर इस टाइम पे एग्जाम्स होंगे तो ये ना फेयर प्ले नहीं होगा, एग्जाम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, बहुत बड़ा जो सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स है वो डिसएडवांटेज में होगा और सफ़र होगा। तो ये करियर डिफाइनिंग एग्जाम्स है, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इसमें हम वाइज और प्रूडेंट और प्रैक्टिकल डिसीजन लें, सारे स्टेक होल्डर्स को और स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लें, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है। सो इस पूरे बैकड्रॉप में ये क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक बहुत अच्छा रिपोर्ट आया था जून जुलाई में कि विल दिस स्पेल द एंड ऑफ प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन। वैसे ही जो हमारा एग्जाम का पैटर्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये बिग, दिस इज़ नॉट फेयर। ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पैटर्न है, इसमें बहुत फ्लॉज है। तो ये क्या एंड होगा प्रेजेंट फॉर्मेट ऑफ एग्जामिनेशन का? जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी भी ओपन बुक एग्जामिनेशन है, ये जो रोट लर्निंग है, रट्टाफिकेशन है, क्रैम करना है, ये जो कोचिंग कल्चर है, रोबोट्स बनाना है कि इस डायरेक्शन में सोचना है, ऐसे नोट्स बनाना है, ये प्रिपेयर करना है और एग्जाम में जाके लिख देना है, यू विल गेट पास, इन सब चीज़ों का क्या एंड आ रहा है? हम क्यों ना दिस इंडिविजुअल ओरिजिनल लर्निंग, थिंकिंग, इनोवेशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। Will this spell the end of for present format of examination, education and assessment in COVID-19 crisis? Let us try to prepare a note on this question. काफ़ी अच्छा है, इसमें you can share your thoughts. So many things are there related to this examination and churn in this education system. Present a fact, back that fact with a logic, argument. This makes a very good answer. जब subjective answer लिखते हैं ना, इसका कोई set pattern नहीं होता है। ये जो आंसर होता है, ये क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। सेकंड चीज़ होती है कि ये सिलेबस के विद इन सिलेबस होना चाहिए। एंड थर्ड चीज़ होता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी सोसाइटी का, गवर्नेंस का, ये उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। बस ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट होती है किसी भी आंसर राइटिंग में। सो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। अब ये है, दिस इज सुप्रीम कोर्ट हिट्स आउट एट सेंटर ऑन लोन मोरेटोरियम स्कीम। अभी जब COVID-19 आया तो लोन का जो रीपेमेंट था उस पर थोड़ा स्टे लग गया, मोरेटोरियम लग गया। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि वो जो ब्रेक आया था उसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा। इस बात पे सरकार ने RBI के ऊपर हैट डाल दिया कि RBI डिसाइड करेगी। बट सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इसमें क्लैरिटी लाएँ कि वॉट यू आर थिंकिंग, किस डायरेक्शन में ये होगा। गवर्नमेंट के पास एम्पल पावर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में, तो आप क्लैरिफाई करो दो इशू। पहला कि जो इंटरेस्ट है वो चार्ज होगा, वेदर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट भी लेवाई होगा या नहीं होगा, बिकॉज मोरेटोरियम में से 3 महीने तक आपने पेमेंट नहीं किया, EMI ऑल नहीं किया, तो इसमें इंटरेस्ट अक्यूमुलेट हो रहा है, उसका क्या डिसीजन होगा। ये जो इशू था, लॉकडाउन क्रिएट किया, तो नाउ इट इज़ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गवर्नमेंट इस पर क्लैरिफाई करे कि वॉट दे आर थिंकिंग, क्या इसमें गाइडलाइंस डायरेक्शंस हैं। टॉप कोर्ट वॉन्टेड टू नो वेदर द डिफरमेंट ऑफ लोन इंटरेस्ट, जो डिफर किया था टू प्रॉपर बोरोवर्स थ्रू देयर फाइनेंशियल क्राइसिस नेशनल लॉकडाउन में, तो क्या इसमें अक्रूवल भी होगा फर्दर इंटरेस्ट का जब ये August 31 को लोन मोरेटोरियम स्कीम एंड होगी। तो इसके बाद वॉट नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। RBI बोलती है नो वेवर, वेवर नहीं, बिकॉज सेंट्रल बैंक ने एफिडेविट में कहा कि ये एक रेगुलेटरी पैकेज इंट्रोड्यूस्ड हुआ था लॉकडाउन में, इसका जो एसेंस था, नेचर था मोरेटोरियम डिफरमेंट का, वो वेवर नहीं है, दिस इज़ नॉट वेवर, केवल एक डिले किया था फॉर टाइम बिंग आपको पेमेंट देने से
कन्वीनियंस दिया था, ये वेवर नहीं है, माफ़ी नहीं है ये। सो कोर्ट बोल रही है कि स्ट्राइक अ बैलेंस, बिकॉज आरबीआई ऑब्वियसली इसको प्रमोट करेगी, अदरवाइज अगर वेवर होगा तो बैंक्स को बहुत लॉस हो जाएगा, तो बोरोवर और बैंक के बीच में स्ट्राइक अ बैलेंस। ये अगेन ऑनगोइंग न्यूज़ है, अभी डिस्कशन है सुप्रीम कोर्ट में, इसमें फर्दर और डेवलपमेंट होगा, वी विल हैव अ रीविजिट। 31st of August अप्रोच हो रहा है, तब तक और क्लैरिटी आएगी यहाँ पे। देन दिस इज फर्स्ट न्यूज़, ये सेकेंड न्यूज़ है, जिम्स एंड ऑल ओपन हो रहे हैं ग्रेजुअली, कोविड टेस्टिंग डबल हो गई है दिल्ली में, चीफ मिनिस्टर ने कहा। सो दिस इज़ फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। देन ये पेज नंबर 2 है, दिल्ली मेट्रो भी वापस रीस्टार्ट करने की बात है, ये सारे स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होंगे। ये जो पॉइंट्स आते हैं ना, दे आर वेरी गुड, यूज़ देम इन योर आंसर। आप अपने पॉइंट्स बता के इन्हें लिख सकते हो कि कोई सिचुएशन है, यू आर अ डीएम ऑफ सर्टेन प्लेसेस, कुछ सेक्शन ओपन करना है, तो व्हाट फॉलो प्रोटोकॉल्स क्या होगा, प्रोसीजर क्या होगा, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं, दे आर रियली गुड, लाइक थर्मल स्क्रीनिंग, आरोग्य सेतु आप लगाओगे, फ्रेश एयर का प्रोविज़न होगा, फीडर सर्विस के बारे में सोचोगे। मल्टी डायमेंशनल जो होता है केस स्टडी में, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए, सारे एंगल्स में यू शुड थिंक। देन ये दिल्ली पुलिस का, दिस इज़ अ गुड न्यूज़, ये है ई बीट बुक सिस्टम। पुलिस बीट होती है, तो ये ई बीट बुक सिस्टम होगा। ये क्या करेगा कि जो पुलिस का अगर पेट्रोलिंग टीम है, एक बीट है, तो उनके पास एक गैजेट होगा, ई बीट बुक होगा। इस ई बीट बुक में सारा डेटा अपडेटेड होगा, दिस लोकेशन का, और थोड़ा क्रिमिनल का रिकॉर्ड भी होगा, तो वो राइट टाइम पे उनको रियल टाइम अवेलेबिलिटी होगा क्राइम डेटा का। तो इससे बीट लेवल पे अगर रियल टाइम अवेलेबिलिटी है, तो लॉ एनफोर्समेंट एंड दिस पुलिसिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, जियो मैप्ड होंगे, सेव करेंगे टाइम इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, कोऑर्डिनेशन बेटर होगा, यहाँ फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर होगा, डोजियर्स ऑफ क्रिमिनल होंगे, डिटेल्स ऑफ सस्पेक्ट एंड वांटेड क्रिमिनल्स होंगे, ये सिंक्रोनाइज होगा विद द बुक, और ये एक्सेस कर सकते हैं रियल टाइम बेसिस में। अब देखिए, ये एक न्यूज़ टेम्पलेट हो गया। नाउ यू कैन यूज़ दिस न्यूज़ टेम्पलेट इन सो मेनी वेज, आप इसको पेपर 3 में भी यूज़ कर सकते हो, पेपर 4 में भी कर सकते हो, पेपर 1 ज्योग्राफी में कर सकते हो, GIS, पेपर 2 गवर्नेंस में आप यूज़ कर सकते हो। तो दैट इज़ वाई आई डोंट मेंशन कि ये इसको हमें केवल इसी डायरेक्शन में सोचना है, नहीं, इट इज़ ओपन, यू कैन यूज़ इट इन एनी वे विच एवर यू वॉन्ट। आप एक बार सिलेबस अच्छे से देख लो, देन ये एक ओपन फील्ड हो जाता है। यूज़ योर ओरिजिनैलिटी एंड इनोवेशन, ये चीज़ सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होती है रियल एग्जाम में, बिकॉज एज एन एग्जामिनर मैं जैसे कॉपी भी देखता हूँ आपका, सेम टाइप ऑफ आंसर्स आते हैं, और इस बीच एक कोई यूनिक ओरिजिनल आंसर आता है ना, आई विल गिव देम से +1 mark, ऐसे 20 नंबर हो जाएंगे, तो एक पेपर में 20 नंबर ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से ओरिजिनैलिटी होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, यूनिक आंसर्स लिखने हैं, योर आंसर्स शुड बी देयर, वो आंसर्स ज़्यादा अच्छे मार्क्स फेच करते हैं। सो ये दिल्ली पुलिस का ई बीट सिस्टम है, नोट डाउन दिस न्यूज़ टैम्पलेट एंड यूज़ इट, थिंक हाउ कैन यू कैन यूज दिस टैम्पलेट। सो दिस इज ई बीट सिस्टम। अब ये है पेज नंबर 3, दिस इज होप स्प्रिंग्स इटर्नल, सी होलसेल वेजिटेबल वेंडर है आजादपुर मंडी। नाउ थिंक इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक केस स्टडी है, ये रियल इंडिया है, यहाँ पे इस टाइप का चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बिकॉज मंडीज भी ओपन करना है। वेजिटेबल वेंडर अवेटिंग कस्टमर्स एट आजादपुर मंडी इन न्यू दिल्ली ऑन वेंसडे। देन ये ई संजीवनी है, ये भी कॉन्टीन्यूअसली अभी हमने बात किया था, नोट प्रिपेयर किया था टेली मेडिसिन एंड ई संजीवनी में, तो इसका अभी स्टार्ट हो गया है बिगनिंग सर्विसेज थ्रू ई संजीवनी। इनिशियल अभी बिगनिंग बेनिफिशियरी दिल्ली NCR में है। इसमें क्या होगा, दिस टेली मेडिसिन का ये यूज़ करेंगे। अभी ये मेडिसिन ऑर्थोपेडिक्स और आई और ENT इन सब चीज़ों के लिए है। बेनिफिशियरीज को रजिस्टर करना पड़ेगा, OTP होगा, दिस प्रोसीजर होगा, देन दे कैन टॉक टू द डॉक्टर्स। फैसिलिटेट होगा वर्चुअल मोड में टेली कंसल्टेशन। ये जो चीज़ है ना, ये भी बहुत प्रॉमिसिंग है, बिकॉज इंडिया में डॉक्टर टू पेशेंट रेशो इज़ नॉट गुड। तो इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं, टेक्नोलॉजी है, इससे हम इस बॉटलनेक्स को दूर कर सकते हैं। सो दिस इज संजीवनी प्लेटफॉर्म, हेल्थ मिनिस्ट्री ने यहाँ पे बताया है। देन जैसे ये NH 248 है, दिस पोर्शन एलिवेटेड सोना रोड कोलैप्स हुआ, दिस इज़ अगेन प्रोबिटी एथिक्स में यूज़ कर सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग कोलैप्स होती है, इसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करें, जो गवर्नमेंट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, क्वालिटी कंट्रोल एंड ऑल, सो थिंक इन दिस डायरेक्शन, दिस इज NHAI। ये पेज नंबर 4 है। देन दिस इज पेज नंबर 5, ये पेज नंबर 6 है। सो दिस इज एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू।
अब हम देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस। फर्स्ट न्यूज है दैट इज अबाउट स्क्वीज्ड बाय कोविड सैलरीज ऑन होल्ड, स्टेट्स ने कहा है दिस सॉस टू सेंटर। स्टेट्स जो है इनको ट्रिपल वैमी हो रहा है कॉन्टिन्यूसली, ये हमने बात किया है। ट्रिपल वैमी मतलब एक तो रेवेन्यू में डेफिसिट हो गया, दूसरा हेल्थ केयर में एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गए कोविड 19 को कॉम्बैट करने के लिए, तीसरा जो जीएसटी कंपनसेशन जैसी चीज़ें थी वो होल्ड पे चली गई। तो स्टेट्स जो हैं इनके पास पैसे ही नहीं बच रहे हैं काम करने के लिए, तो दैट इज़ वाई अब वो सैलरी होल्ड पे रख रहे हैं। लॉकडाउन के कारण रेवेन्यू ड्राइड अप हुए, डिले हुआ सैलरी में, कट इन कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है जैसे कंस्ट्रक्शन वर्क, रोड डेवलपमेंट एट्सेट्रा, ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसमें कट की बात है। अभी आज थर्सडे है, जीएसटी काउंसिल का मीट होगा, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, इसको हम फिर फर्दर रिविजिट करेंगे। लेयर्स में पढ़ना अच्छा होता है, हम लेयर बाय लेयर जब पढ़ते हैं ना तो वो बहुत सिस्टमेटिकली कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं। अब जीएसटी जो है ये अकाउंट करता है फॉर ऑलमोस्ट 42% ऑफ देयर ओन टैक्स रेवेन्यू स्टेट्स के लिए। सेंटर इन्हें जीएसटी कंपनसेशन नहीं दे रहा है, इसको भी हमने पहले एक नोट प्रिपेयर किया है जीएसटी कंपनसेशन में, जो प्रीवियस नोट्स हैं हैव अ लुक। पेमेंट फॉर देयर लास्ट 4 मंथ से जीएसटी कंपनसेशन का नहीं आया है बिकॉज सेंटर के भी हाथ बने हैं, जीएसटी कलेक्शन नहीं हो रहा है, सेंटर के पास पैसा नहीं है स्टेट्स को देने के लिए, तो फोर्स टू पुट ऑन होल्ड देयर कैपिटल स्पेंडिंग, स्ट्रगलिंग टू पे मंथली सैलरीज ऑफ स्टाफ। सो दिस इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट ऑफ दिस लॉकडाउन, देयरफॉर नॉर्मेलिटी रिस्टोर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेवेन्यूज ड्राइड अप हो रहे हैं अदरवाइज, सो दिस इज नंबर 4। देन ये अगेन बात है दिस नीट एंड जेई डिफरमेंट पे, यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, हायर एजुकेशन सेक्रेटरी साहब हैं, इन्होंने कहा कि मस्ट होल्ड जेई नीट और विल लूज अ ईयर, सो दिस इज अनदर व्यू पॉइंट। ये है कोविशील्ड, ये वैक्सीन कैंडिडेट है, ये एडमिनिस्टर्ड हो रहा है वॉलंटियर पे इन पुणे। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, जितना जल्दी वैक्सीनेशन आएगा नॉर्मलसी रिस्टोर होगा कोविशील्ड। सो दिस इज फ्रंट पेज ऑफ इंडियन एक्सप्रेस, ये पेज नंबर 2 है, दिस इज़ पेज नंबर 3, दिस इज़ कवर अप। अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रहा है, मास्क नहीं है, मैनी अ टाइम ऐसा चीज़ लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट पुलिस उन पे ऐसे केसेस आए हैं कि ब्रूटैलिटी और बहुत स्ट्रिक्ट और सीवियर पनिशमेंट भी दे देती है, तो दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। देन दिस इज़ पेज नंबर 4, लैप्सेज ऑन ग्राउंड, वर्क ऑन दिस स्टॉप हुआ है। Then this is page number 5, ये page number 6 है, the outbreak Bihar. Then this is IIT Hyderabad, startup ने launch किया है most affordable respirator mask. अब इंडिया में जो भी हम devices निकाल रहे हैं ना, इसमें दो parameter ज़रूरी होते हैं, एक तो होता है effectivity और दूसरा cost भी एक बहुत बड़ा factor है, because अगर वो affordable नहीं है तो वो फिर हम mass scale में utilize नहीं कर पाएगा population. तो ये कॉस्ट इफेक्टिव अफोर्डेबिलिटी बनाना भी ज़रूरी होता है, तो एक ऐसा इन्होंने मास्क बनाया है। देन ये एक्सप्रेस नेटवर्क है, डीलिमिटेशन इन नॉर्थ ईस्ट। देन ये एडिटोरियल पेज ऑफ दिस इंडियन एक्सप्रेस, फर्स्ट एडिटोरियल है दैट इज़ अबाउट लॉन्ग रोड अहेड। इसमें जो आरबीआई रिपोर्ट असेसमेंट है वो लिखा है कि कंजम्पशन और जो इन्वेस्टमेंट है नियर टर्म में ये बहुत ज़्यादा नोज डाइव हो गया है, अंडरस्कोर्स नीड्स फॉर दिस गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट सपोर्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो दिस इज लॉन्ग रोड अहेड, ये सेम आर्टिकल इधर एडिटोरियल द हिंदू में भी है। दिस इज सेकेंड एडिटोरियल, सोबरिंग असेसमेंट। सी यहाँ लिखा है कि 3 हफ्ते पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आई थी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कहा कि इन्फ्लेशन का अभी थ्रेट है, इन्फ्लेशन जो है दिस 4 ± 2 तो अपर लेवल पे है 6% पे, तो दैट इज़ वाई उन्होंने कहा कि हम फर्दर रेपो रिवर्स रेपो रेट कट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर वो रेट कट करेंगे लिक्विडिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेशन और ज़्यादा एस्केलेट हो सकती है। सो ये एक असेसमेंट है इकोनॉमिक लैंडस्केप का, प्रोग्नोसिस है फॉर द नियर टर्म प्रोस्पेक्ट पॉजिटिव स्टॉक पिक्चर। गवर्नमेंट आरबीआई ने जो एनालिसिस किया है, प्रोग्नोसिस किया है, तो वो पिक्चर इज नॉट लुकिंग गुड, दैट इज लुकिंग दिस ब्लीक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। डिमांड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि डिमांड हॉलोड आउट है, डिमांड ही नहीं है, हमने सप्लाई साइड में वर्क किया बट डिमांड जनरेट नहीं हो रही है। सीवियर शॉक है प्राइवेट कंजम्पशन का, पब्लिक फाइनेंसेस स्ट्रेन्ड है, इम्परेटिव है फंडिंग मिटिगेशन मेजर्स में। एनेमिक है, डिमांड राइज नहीं हो रही है, एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं है फॉर इन्वेस्टमेंट अमंग कॉरपोरेट्स, क्रेडिट फ्लो आ नहीं रहा है, तो रिस्क अवर्जन अमंग बैंकर्स है।
बैंकर्स को आरबीआई ने दीज रेट कट्स दिए बट बैंकर्स उसको आगे पास ऑन नहीं करना चाहते हैं, लोन्स नहीं देना चाहते हैं बिकॉज बैंक भी डरे हुए हैं कि ये लोन पास करेंगे वो एनपीए बन जाएगा। तो सेंटिमेंट्स आर डाउन। सर्विस सेक्टर प्राइम मूवर होता है बट सर्विस सेक्टर भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे वर्स्ट हिट हुआ है लॉकडाउन के कारण। रेवेन्यू का शॉर्टफॉल है और द प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट के पास अब ज़्यादा हेडरूम भी नहीं है। हेडरूम मतलब आपने इतना रिलीफ पैकेज दिया वो पूरा यूज़ नहीं हुआ, से वेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट फर्दर रिलीफ पैकेज देने के लिए यू डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी, सो हेडरूम फॉर गवर्नमेंट थोड़ा कम है अभी। अब आरबीआई सजेस्ट करता है कि गवर्नमेंट शुड हेल्प क्राउड इन। क्विज में ये कॉन्सेप्ट समझा था हमने, क्राउड इन मतलब गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेगा टारगेटेड पब्लिक इन्वेस्टमेंट से। गवर्नमेंट कुछ सेक्टर चूज किए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, ग्रोथ आई, डिमांड आया, प्राइवेट सेक्टर भी अब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने लग जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड दिस क्राउड इन। फंडेड बाय मोनिटाइजिंग एसेट्स स्टील में, कोल में, पावर में, लैंड में और रेलवेज में। सेंटर में ऑप्ट टू मार्शल इट्स मीगर रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, कम है, बहुत कम है, मीगर है, प्रूडेंटली जुडिशली इसको यूज़ करना चाहिए, वेट करना चाहिए कर्व ऑफ इन्फेक्शन का। अभी जैसे राइज हो रहा है ये कब फ्लैटन होता है, जब फ्लैटन होगा तब गवर्नमेंट को रिलीफ पैकेज लाना चाहिए, अगर पहले लाएगी तो वो अगेन फिर वेस्टेज हो जाएगा। तो टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टिमुलस पैकेज का। प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट ने काफ़ी बेनिफिट्स दिए, कॉरपोरेट टैक्स कम हुआ, देन दिस पैकेज रिलीफ पैकेजेस में दिए, बट प्राइवेट सेक्टर ने, गवर्नमेंट सोच रही थी कि वो उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करेगा इकोनॉमी में, बट प्राइवेट सेक्टर ने उस पैसे से रीपे किए अपने प्रीवियस लोन्स और अपनी बुक्स को कंसोलिडेट किया, तो वो बेनिफिट पास ऑन नहीं हुए, मार्केट में पैसा नहीं आया इन्वेस्टमेंट। तो दैट इज़ वाई जो नेक्स्ट रिलीफ पैकेज अगर गवर्नमेंट प्लान करती है तो वेट एंड वॉच, उसका टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। जब फ्लैटन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है COVID-19, तब ज़रूरी होगा वो रिलीफ पैकेज, अगर पहले होगा तो वो फिर अगेन इतना इफेक्टिव नहीं होगा। तो नॉर्मलसी का वेट करें, वेट एंड वॉच। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे दिए हैं लॉन्ग रोड अहेड आरबीआई ने, जो अभी एनालिसिस किया है कि वी नीड टू वेट नॉर्मलसी देन रिलीफ पैकेज, टाइमिंग इज इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज द हिंदू में ये जो पहला आर्टिकल था दैट इज़ अबाउट अ शॉट इन द डार्क, ये डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अबाउट UNSC एंड पाकिस्तान है। देन ये सोबरिंग असेसमेंट है, ये आर्टिकल भी हम बात करेंगे, दैट इज़ पेरल्स ऑफ प्री मेच्योरली इम्पार्टेड लिटरेसी। हर चीज़ का ना एक टाइम होता है, ग्रेजुअल वे में अगर वो चीज़ें ग्रो होती है ना तो वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, अगर वो फोर्स्ड होता है लाइक हम सारा चीज़ एक ही दिन कर लेंगे तो वो फिर लास्ट नहीं होता है, उससे अननेसेसरी प्रेशर आता है और एंट्रोपी क्रिएट होती है। तो बाय मेकिंग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टारगेट ऑफ अर्ली स्कूलिंग है, हम स्ट्रेस कर देंगे फर्दर एन एम्बेटल्ड चाइल्डहुड। यहाँ पे कमेंट्री है दिस न्यू एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। ओवरहॉल जो वर्ड होता है ना, ये अक्सर गवर्नमेंट्स कॉरपोरेट सब चीज़ बोलते हैं, ओवरहॉल करना है हमें, इम्प्रूवमेंट करना है, बिकॉज वी लाइक इम्प्रूवमेंट, सोसाइटी में हम फेड अप हो जाते हैं प्रेजेंट सिस्टम में, तो ऑल वी नीड इज़ नया, कुछ न्यू होना चाहिए, नया होना चाहिए, और जो पास्ट होता है वो हमेशा परफेक्ट दिखता है। तो ऑलवेज ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम सोचते हैं कि पास्ट की ग्लोरी फिर से रीस्टोर करें, वापस कुछ नया बनाने की कोशिश करें, बिकॉज प्रेजेंट इतना हमें कन्विंसिंग नहीं लगता है। पॉलिटिकल इलेक्शंस जो होते हैं उधर भी यही बात होता है, इंडिया का हम फॉलो कर रहे हैं, आई डू नॉट डिस्कस पॉलिटिकल न्यूज़ बट आई फॉलो इट वेरी नाइसली, तो आई रीड अबाउट देम। सो हर जगह ना ये अंडरटोन होता है कि हम कुछ न्यू करें, बिकॉज दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। अभी US इलेक्शंस में भी यही बात है कि हम न्यू करें कुछ, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, समथिंग लाइक दैट। तो ओवरहॉल जो वर्ड होता है ये काफ़ी ज़्यादा डियर होता है ह्यूमन साइकोलॉजी में, इम्प्रूवमेंट, रिवाइज एंड रिवैम्प की अभी ज़रूरत है। तो एजुकेशन पॉलिसी में भी हमने ये बात किया, पीपल जो होते हैं वो ईजिली फेडअप हो जाते हैं, तो दे ऑलवेज डिमांड समथिंग न्यू, कुछ नया चाहिए, डिमांड समथिंग न्यू, दिस इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो नेशनल नॉलेज कमीशन 2008 आया था, इसने बोला था कुछ पॉइंटर्स चाहिए हमें एजुकेशन में, जो ज़रूरी है वो ये होना चाहिए कि क्वांटिफाइबल बेसिस हो क्रेडिट रेटिंग एंड रैंकिंग का, आउटकम बेस्ड असेसमेंट हो। असेसमेंट जो हो वो मतलब एजुकेशन आपने किया उसका आउटकम क्या है, आउटकम बेस्ड असेसमेंट, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन गवर्नेंस एंड ऑल। तो 2008 का नेशनल नॉलेज कमीशन ने ये तीन बातों के पॉइंटर्स दिए थे आगे प्रोसीड करने के लिए। आर्टिकल 45 बोलता है कि 8 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग होनी चाहिए। कोठारी कमीशन था जो 1964-65 में आया था, इसने 10+2 मॉडल बताया था।
ये मॉडल इतने टाइम तक चला, बट हमें क्या चाहिए, हमें ओवरऑल चाहिए, वी नीड समथिंग न्यू, रिवाइज एंड रिवैम्प। तो हम ये नई पॉलिसी लेके आए। अब इस पॉलिसी में इंस्टेड ऑफ 10+2 अभी हम बात कर रहे हैं 5+3+4 सिस्टम। पहले जो 5 साल होंगे इंक्लूड 3 ईयर प्री स्कूल एजुकेशन के होंगे, मतलब 3 साल से पढ़ाई चालू हो गई, फॉलोड बाय Grade 1 and 2 ऑफ द प्राइमरी स्कूल। तो पहले ये 5 साल ये हो गए प्री स्कूल एंड दिस 2, दैट इज 5 ईयर्स ये हो गए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर है, स्कूल रेडी हम बनाना चाहते हैं बच्चों को कि वो 5 साल का दिस हो रहा है तो ये होते होते वो स्कूल रेडी हो जाए जब वो इस फेज़ में एंटर करें, सेकेंड फेज़ में। स्कूल रेडी हो जाए मतलब उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी हो और न्यूमरेसी हो, मतलब वो प्री रिक्विजिट टू लर्निंग हो, स्कूल के लिए रेडी हो गए, उनको लिटरेसी, न्यूमरेसी, रीडिंग, राइटिंग और मैकेनिकल न्यूमरेसी वगैरह ये सब चीज़ें उन्हें आनी चाहिए। तो अगर हम इन पे बेस्ड अगर फोकस रखते हैं कि स्टूडेंट शुड नो टू रीड लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो ये काफ़ी मैकेनिकल अप्रोच होगा। लॉन्ग टर्म इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बिकॉज हम क्या करते हैं कि अगेन हम रोबोट्स बना रहे हैं, हम एक फिक्स्ड लाइन पे उनको सोचना सिखा रहे हैं कि आपको बस ये चीज़ करना है, ऐसा करना है एंड आप फिर आगे बढ़ जाएंगे, बट वी आर नॉट एम्फेसाइजिंग कि ये क्यों करना है। इससे हम इग्नोर करते हैं इंटरेस्ट और उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, इंडिविजुअल थिंकिंग, यूनिकनेस होती है, वो यहाँ पे पीछे बैकसीट ले लेती है। पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि इफ़ दे हैव एनरोल देयर किड्स इन अ वेरी गुड स्कूल, दे हैव पेड दिस हेफ्टी फी एंड दिस एंड ऑल, तो देयर जॉब इज़ डन। नो, पेरेंट्स सेट द नॉर्म फॉर दिस कल्चर बाय पुशिंग देयर इन्फेंट्स टू कंज्यूम द वेरियस प्रोडक्ट सोल्ड इन द पेडागॉगी मार्केट। ये बहुत बड़ा एक बिजनेस बन गया है, एजुकेशन कॉरपोरेट है यहाँ पे। सो ये क्या होता है, बहुत फ्लैशी अट्रैक्टिव चीज़ें सेल करते हैं, बिजनेस में सेल करना होता है, तो ये एक मार्केट बन गया है कि दे विल टेल यू यू हैव टू गेट दिस प्रोडक्ट, अगर ये बुक पढ़ लिया तो यू विल क्रैक एनी एग्जामिनेशन, ये बुक नहीं पढ़ा तो आपका कोई एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ। दिस बोथ फिलोसफी इज रॉन्ग, ऐसा दोनों में से कुछ भी करेक्ट नहीं है, बट हमें ऐसा सेल किया जाता है। और पेरेंट्स जो होते हैं उनका सॉफ्ट कॉर्नर होता है चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन को टारगेटेड मार्केटिंग होती है, ये चीज़ होती है, और फिर एक ये नया ट्रेंड चालू हो जाता है। अब इसका जो प्रेशर आता है वो आता है किस पे, स्टूडेंट्स पे, चिल्ड्रन पे। हम प्रमोट कर रहे हैं फाउंडेशनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, एजुकेशनल टारगेट ऑफ अर्ली स्कूलिंग। इससे क्या होता है, स्ट्रेस लेवल डेवलप होता है फर्दर एंड ऑलरेडी एम्बेटल्ड चाइल्डहुड। ये जो ग्रोइंग एज होती है बच्चे की, ये जो एज होती है ना, इसमें सबका डिफरेंट स्पीड होता है, पेस अलग होता है अंडरस्टैंडिंग का, अल्फ़ाबेट लर्निंग अलग होता है। कुछ लोगों को जैसे हमने देखा है दिस अक्षर समझ में नहीं आते हैं, इसको समझने में दिक्कत होती है अल्फ़ाबेट्स एंड ऑल में। तो एम्बेटल्ड चाइल्डहुड ऑल ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा अगर हम ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेडागॉजी मार्केट एंड बिजनेस ओरिएंटेड चीज़ें यहाँ पे लाएंगे, इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी वहाँ पे सफ़र होगा। तो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो यहाँ पे बताए हैं कि पेरल्स ऑफ प्री मैच्योरली इम्पार्टेड लिटरेसी। लिटरेसी ज़रूरी, बट ये एक कंपार्टमेंटलाइज नहीं होनी चाहिए, ये टारगेट बेस्ड नहीं होनी चाहिए कि हमने ये नंबर अचीव कर लिया देन वी आर गुड। नो, लर्निंग शुड बी दिस गुड, ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर कृष्ण कुमार ने, NCERT दिस लैंग्वेज एंड द टीचर, फॉर्मर डायरेक्टर हैं ये। तो वेरी वेरी गुड इनसाइट दैट वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली चिल्ड्रन स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स ऑल्सो, कि ये जो एजुकेशन सिस्टम है दैट हैज़ टू बी दिस क्यूरियोसिटी, लर्निंग, इंटरेस्ट, दिस हैज़ टू बी देयर। देन दिस इज मेकिंग एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स सक्सेसफुल। एग्रीकल्चर में अभी 3 बहुत बड़े रिफॉर्म्स आए हैं, सेल्फ रिलायंट में हमने कवर किया, अब इनको सक्सेसफुल बनाना ज़रूरी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है कंसिस्टेंसी। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से समथिंग वन डे, कल फिर दूसरा अप्रोच, फिर तीसरा अप्रोच, फिर नया डायरेक्शन चूज कर लिया, तो इससे क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं होगी और इससे क्रेडिबिलिटी नहीं होती है, रिलायबिलिटी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए सेंट्रल पॉलिसी में, कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स होने चाहिए, एक मेन ऑब्जेक्ट है, गोल है, बट उसको कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म्स भी होने चाहिए उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, और कोलैबोरेटिव होना चाहिए बिकॉज सेंटर अलोन कैन नॉट डू एनीथिंग। स्टेट का जो है, 28 स्टेट्स का दिस कॉन्ट्रीब्यूशन इज इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ जो पहला स्टेप सरकार ने लिया था, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में, इसमें रिफॉर्म्स आए, अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो होल्डिंग दिस एंड ऑल था उसमें दिस काफ़ी चेंजेस हुए हैं, तो अट्रैक्ट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में, फार्मर्स सीरियल पल्सेस ऑयल सीड्स अनियन पोटैटो इधर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लाएंगे बिकॉज ये बॉटलनेक्स रिमूव हो गए।
एडवर्सली अफेक्टेड बाय द पॉलिसी रिजीम जो था, दिस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में होल्डिंग नहीं हो पाती थी, छापा पड़ जाता था, गवर्नमेंट फिर वहाँ पे बताती थी कि दीज आर नॉट गुड थिंग, सो ये इससे डिस्करेज होते थे प्राइवेट इन्वेस्टर दिस इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करने में कमोडिटी एक्ट में। अब ये दूर होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना चाहिए। और जो दो नए ऑर्डिनेंस आए हैं, दिस इज फर्स्ट, ये दो और तीन है, ये ऑर्डिनेंसेज हैं इंटर स्टेट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। तो तीन रिफॉर्म्स कौन से हैं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के चेंजेस, देन इंटर स्टेट ट्रेड और ये कॉन्ट्रैक्ट रिफॉर्म। इन तीन चेंजेस के कारण गवर्नमेंट ने स्टेप्स राइट डायरेक्शन में लिए हैं, बट दैट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी, कॉम्प्लीमेंट्री रिफॉर्म और कोलैबोरेशन ऑफ सेंटर स्टेट अप्रोच। टाइमिंग जो होती है वो एक प्रॉब्लम होती है, इनकंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, इससे होती है क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठते हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ई नाम भी लाई, शुरुआत बहुत अच्छी होती है, फैनफेयर से होती है, बट वो फिर सस्टेन नहीं करता। लॉन्च बहुत अच्छा हुआ था, फैनफेयर था, बट ये इफेक्टिव नहीं हो पाई ई नाम भी। पॉलिसी का रिवर्सल होता है, आज हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन फिर ऑल ऑफ अ सडन डायरेक्शन चेंज हो गया। बेटर कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल सेंटर और स्टेट में, बिकॉज जैसे प्रोग्राम आता है, जीएसटी लॉन्च हुआ, आयरन आउट करे शॉर्ट कमिंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लैक ऑफ क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड इंश्योरेंस है फार्मर को, दिस इज ऑल्सो वन चैलेंज। तो एग्रीकल्चर जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, 50% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, एफिशिएंसी कम है। दस रिफॉर्म आउटपुट मार्केट में, केवल रिफॉर्म लाने से कुछ नहीं होगा, उसको सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट करना भी जरूरी है, लिबरलाइजेशन, बेटर एक्सेस क्रेडिट एंड इंश्योरेंस मार्केट में। तो दीज आर सम पॉइंट्स कि एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। ये आर्टिकल लिखा है प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, दिल्ली। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी, कॉम्प्लीमेंट्री भी होना चाहिए चीज़ें, और कोलैबोरेशन इज इम्पॉर्टेंट। नाउ ये है द अनचार्टेड टेरिटरी ऑफ आउटर स्पेस, ये आर्टिकल लिखा है मिस्टर सैयद अकबरुद्दीन ने। इनके आर्टिकल्स बहुत लॉजिकल होते हैं एंड दे आर रियली गुड। ये है स्पेस विजन, स्पेस विजन जो है अभी आउटर स्पेस में काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट बिग थिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ एंड दिस डिमांड है आउटर स्पेस में। तो जो स्पेस विजन है उसमें ग्लोबल गवर्नेंस और रेगुलेटरी एंड आर्म्स कंट्रोल, ये दो मुद्दे हैं जिस पे अभी हमें वर्कआउट करना चाहिए। गवर्नेंस, नियम क्या होंगे आउटर स्पेस में, रेगुलेटरी और आर्म्स कंट्रोल है, इधर हम कैसे इसको टिकल करेंगे। स्पेस अगर देखा जाए तो वो अक्सर नेशनल प्राइड बनता है, जैसे यूएसए और रशिया में स्पेस रेस हुआ था, इंडिया में भी जैसे हमने चंद्रयान देखा, हम इसे नेशनल प्राइड बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट है, ये जो मार्केट है अभी 350 बिलियन का है, अगले 30 इयर्स में ये 2.7 ट्रिलियन होने वाला है, विच इज़ अ ह्यूज जंप। टेक्नोलॉजी जो है इन द हैंड्स ऑफ कॉमन पीपल लाना ज़रूरी है, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी होती है ना ये भी एक ग्रेट लेवलर है, कॉमन पीपल के हाथ में आएगा तो इससे डेमोक्रेटाइजेशन होता है। तो टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस एंड ऑल की टेक्नोलॉजी है, कॉमन पीपल है उनको भी इन्वॉल्व करें, इसमें इलीट बायस नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्म करें ये लाइव्स। स्टारलिंक है, इंटरनेट स्पेस एक्स का प्रोग्राम है, अमेजोन प्रोजेक्ट कुपियर में वर्क कर रहा है, द होल थिंग इज कॉमन पीपल को रोप इन करें, मास यहाँ पे रोप इन करें। फ्रेश इंसाइट्स जैसे वेदर फोरकास्टिंग में है, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स में है, क्रॉप हार्वेस्टिंग में है, डिजास्टर रेस्पॉन्स में, ये क्या है, ये एरियाज हैं जहाँ पे स्पेस काफ़ी यूजफुल है, स्पेस का हम सैटेलाइट्स एंड ऑल, फोरकास्टिंग, लॉजिस्टिक्स, हार्वेस्टिंग एंड डिजास्टर रेस्पॉन्स। अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या आते हैं, तो कुछ चैलेंजेस इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं कि जो पहला चैलेंज है कि आउटर स्पेस जो है उसको हम डेमोक्रेटाइज्ड करें, कमर्शियलाइज्ड, क्राउडेड, मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क होना चाहिए गवर्नेंस का, ये ऑब्सोलेंट हो रहा है, इसको अपडेट करने की ज़रूरत है, ये डेमोक्रेटिक वे में। स्टेट्स जो हैं, स्पेस है, ये कॉमन गुड्स हैं, सबको यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक वे में एक्सेस मिलना चाहिए और ये गवर्न होना चाहिए प्रॉपरली। स्पेस लॉ डज नॉट हैव अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, अगर कहीं डिस्प्यूट हुआ तो जैसे हमारे यहाँ दिस WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मेजर्स होते हैं, ऐसा यहाँ नहीं है। साइलेंट है कोलिजन एंड डेब्री जो होता है, स्पेस जंक इज इंक्रीजिंग, सफिशियंट गाइडेंस यहाँ पे ज़रूरी है विद अदर स्पेस एसेट्स। सेकेंड जो प्रॉब्लम है वो है लीगल फ्रेमवर्क जो है स्टेट सेंट्रिक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स अलोन पे होती है, तो जो नॉन स्टेट एंटिटीज़ हैं जैसे प्राइवेट प्लेयर हो गया, जैसे एक नासा है, दूसरा स्पेस एक्स है, तो स्पेस एक्स इज़ नॉन स्टेट एंटिटी, ये अक्सर कमर्शियल स्पेस एंड एक्सप्लोरेशन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिस ग्रे एरियाज हैं दैट वी नीड टू वर्क ऑन। फिर ज़रूरी है कि हम एक्सटॉल करें वर्चुअल होल्डिंग द हाई ग्राउंड, जो स्टेट्स हैं वो चाहते हैं नेशनल प्राइड हो जाता है,
वो स्पेस को ऐसे देखते हैं कि ये दिस इज समथिंग लाइक वर्च्यू है होल्डिंग द हाई ग्राउंड, स्पेस तो हाईएस्ट ग्राउंड है। तो स्टेट्स इन्वेस्ट करते हैं मिलिट्री स्पेस में, कम्युनिकेशन में, नेविगेशन में, रिकॉनसेंस में, एंश्योर करते हैं ऑपरेबिलिटी ऑफ रेंज ऑफ कैपेबिलिटी। तो ये भी एक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। डेमोक्रेटाइज लॉज करें, यहाँ पे नॉन स्टेट एक्टर्स का रोल डिफाइन करें, और ये जो हाई ग्राउंड में रेस लग जाती है स्पेस एक्सप्लोरेशन में, इसको भी पॉजिटिव वे में करना है। इंडिया के बहुत बड़े सपने हैं, हम इंक्लूड, हमने मून में देखा फर्स्ट इंडियन सोलर ऑब्जर्वेटरी, फर्स्ट क्रूड ऑर्बिटल स्पेस फ्लाइट मिशन है अभी हमारा जिस स्पेस का, इंस्टॉलेशन मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन करना चाहते हैं हम 2030 तक, सपने बड़े हैं। कैलेंडर इज डिजाइन टू एस्टेब्लिश इंडिया एज अ मेजर स्पेस फेयरिंग नेशन बाय द एंड ऑफ द डेकेड, ये हमारे प्लान है, टारगेट है, इतनी चीज़ों पे हम वर्कआउट कर रहे हैं। अब इसके लिए हमने प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया है, ऑटोनोमस बॉडी इन स्पेस भी बनाया, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस रहेगा, प्रमोट रेगुलेट करेगा प्राइवेट सेक्टर का वेलकम एफर्ट, बिकॉज गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट डू एवरीथिंग, प्राइवेट प्लेयर का भी यहाँ पे ज़रूरी है पार्टिसिपेशन, जैसे स्पेस एक्स एंड नासा कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो इसरो भी ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा है कोलैबोरेट करने के लिए। तो दिस इज़ वन थिंग, इससे क्या होता है कॉस्ट भी कम होती है, पहले स्पेस एक्सप्लोरेशन का कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, फिर बाद में ये काफ़ी अब कम हुआ है, डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, इंडिविजुअल प्लेयर्स आ रहे हैं। तो स्पेस विजन जो है इसको हमें चाहिए कि हम ब्रॉडन करें। अब लास्ट ईयर ये 50 ईयर्स कंप्लीट हुए थे साराभाई, इसरो का गोल्डन जुबली 50 ईयर्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पूरी जर्नी को समझना है 50 साल के स्पेस एक्सप्लोरेशन में। डिस्कस करते हैं इंडिया का स्पेस विजन, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसरो का गोल्डन जुबली 50 ईयर ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन, लेट अस डिस्कस इंडिया स्पेस विजन, भारत के अंतरिक्ष विजन पर चर्चा करें। सो दिस इज नंबर 9, ये देन दिस इज अबाउट द बैटल फॉर दिस परशुराम, एंड दिस इज द ब्रिंगिंग इन इंटरनेट टू एवरी वन, डिजिटल डिवाइड जो है इसको फिल करना जरूरी है, एवरी वन टू एक्सेस द सेम इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, वी नीड टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड, दिस डिजिटल डेमोक्रेसी। तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, मार्जिनलाइज्ड और जो आइसोलेटेड है इनको भी इंटरनेट बहुत एसेंशियल चीज़ हो गया, वी नीड टू प्रोवाइड देम, एजुकेशन जो है वो इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये है फ्रॉड्स ऑन द राइज अप बिकॉज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बढ़ रहे हैं, तो ये फ्रॉड्स भी आ रहे हैं, बैंक फ्रॉड्स, पुअर रिस्पॉन्स टाइम, टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स होते हैं ये जो बैंक रिलेटेड हो रहे हैं, साइबर कार्ड इंटरनेट ये सारी चीज़ें होती है, नेवर एवर शेयर योर OTP विद एनीबडी, सो दिस इज फ्रॉड्स ऑन द राइज। देन ये पेज नंबर 8 है, देन दिस इज अबाउट टाइगर्स टू डांस इन साइबर स्पेस दिस ओणम, ओणम में ये ऐसे डांस होगा, इस डांस का नाम क्या है पुल्ली कल्ली, ये पुल्ली कल्ली डांस फॉर्म है, ओणम सेलिब्रेशन थिरुस्सुर में हो रहा है, ये ह्यूमन टाइगर में ऐसे करते हैं, बट बिकॉज COVID-19 है तो ये भी अब क्या हो जाएंगे डिजिटल होगा, ये ऑनलाइन ओनली अफेयर होगा ड्यू टू COVID-19, सो रिमेंबर द नेम पुल्ली कल्ली। ये देन नीति आयोग का एक्सपोर्ट इंडेक्स का रिपोर्ट है, बिफोर दैट दिस इज पेज नंबर 9 न्यूज़, और ये है ड्राफ्ट पॉलिसी, अभी ये जो पॉलिसी है इस पे भी डिस्कशंस आएंगे, अभी प्रिलिमिनरी है, विल रीविजिट ड्राफ्ट पॉलिसी ऑन हेल्थ डेटा ओपन फॉर फीडबैक, ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने रिलीज किया है हेल्थ डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी फॉर दिस NDHM नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, जैसे हमने EIA डिस्कस किया था ड्राफ्ट पॉलिसी, विल डिस्कस दिस एज वेल, तो ये ड्राफ्ट पॉलिसी अभी रिलीज हुआ है, सेप्टेम्बर 3rd इसका डेडलाइन है, 11 अगस्त EIA का था, यहाँ पे अब ये मेडन स्टेप है NDHM में, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, फ्रेमवर्क बनेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा, डेटा जो है उसका प्राइवेसी कैसे वो कंट्रोल करेंगे एंड ऑल, तो विल हैव अ रिविजिट ऑन दिस, ड्राफ्ट पॉलिसी अभी मीनवाइल रिलीज हो गया है। ये पैनल है टू रिव्यू चार्टर ऑफ DRDO लैब, दिस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देन नॉट द लास्ट लीफ, ये कौन सा डांस फॉर्म है, आंसर दिस क्वेश्चन, परफॉर्मिंग आर्ट्स में ये कौन सा डांस फॉर्म है, ओके लुक एट द गियर, ग्रीन कलर है, रेड कलर है, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, ये ऊपर का कॉस्ट्यूम डिजाइन है, दिस डांस फॉर्म थीम क्या है, विच डांस फॉर्म इज दिस, देन दिस इज रिटन लाइफलाइन आर्ट्स ब्यूटी एंड ब्रेन, देन दिस इज सॉन्ग फॉर मोमेंट, नाउ दिस इज वर्ल्ड न्यूज, साउथ चाइना सी फिर से न्यूज में आ गया, वी हैव कवर्ड दिस,
यूएस ने ब्लैकलिस्ट किया है 24 चाइनीज फर्म्स को अमिड साउथ चाइना सी डिस्प्यूट। ये जो 9 डैश लाइन है, चाइना इसमें बहुत ज़्यादा अपना टेरिटोरी क्लेम करता है, तो इस बात से जो लोकल दूसरे स्टेट्स हैं यहाँ पे, वियतनाम, फिलीपींस, दिस, इनको प्रॉब्लम होता है और ये क्लैश पाथ पे आते हैं। यूएस को भी यहाँ पे प्रॉब्लम है बिकॉज इससे जो साउथ चाइना सी है, दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन। यूएस अपनी यहाँ पे प्रेजेंस रखना चाहता है, तो वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल फॉर देयर रोल इन बिल्डिंग दिस आर्टिफिशियल आइलैंड्स। ये ऐसे आर्टिफिशियल आइलैंड्स जो चाइना बनाता है, जैसे ये साउथ रीफ बनाया है स्पार्टली आइलैंड। लुक एट नोट्स, हमने ये काफ़ी डिटेल में पहले पढ़ा है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स इन दिस चाइना सी। देन यूएस पॉलिटिक्स, दिस इज इज़राइल, दिस इज अर्डोगन तुर्की, देन दिस इज काबुल। ये बिजनेस न्यूज़ है। इंडिया जो है ये रिस्क कर रहा है स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, स्टैग्नेट हो गया है। अगर जीडीपी ग्रोथ नहीं हुआ 8% एनुअली में, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगा मतलब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा, जॉब्स नहीं आएंगे, एंड दिस ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है ये स्टैग्नेंट हो जाएंगे। तो दैट इज़ वाई रिफॉर्म्स ज़रूरी है, 12 to 18 months टू बूस्ट प्रोडक्टिविटी, क्रिएट करें जॉब्स, स्टेट ऑफ चेंज। 60% ऑफ द रिफॉर्म्स विल हैव टू बी अंडरटेकन बाय स्टेट्स एंड 40% बाय द सेंटर। अब इसको हमें देखना है आरबीआई के कॉन्टेक्स्ट में। आरबीआई ने कहा रिलीफ रिफॉर्म ज़रूरी है बट टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट इज़ वेट एंड वॉच, अदरवाइज़ क्या होगा, गवर्नमेंट का जो हेडवे है वो लॉस्ट हो जाएगा। जैसे पहले का जो रिफॉर्म एंड रिलीफ था वो इतने इफेक्टिव नहीं हो पाए। तो ये मैकेंसी ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने ये बताया है, इंडिया को एटलीस्ट 8% क्लॉक करना पड़ेगा वापस नॉर्मलसी लाने के लिए। इंटरेस्ट ऑन नेट टैक्स ड्यू टू लेट जीएसटी पेमेंट है, अमेजॉन है, एंटी ट्रस्ट। नाउ दिस इज़ द न्यूज़, गुजरात ने टॉप किया इंडेक्स नीति आयोग का जो नया इंडेक्स है, एक्सपोर्ट इंडेक्स, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ये इवेल्युएट करता है स्टेट्स का पोटेंशियल एंड कैपेबिलिटी। तो गुजरात ने यहाँ पे एक्सपोर्ट रिलेटेड टॉप किया है, महाराष्ट्र और फिर तमिलनाडु है। ये जो इंडेक्स है ये रैंक करता है स्टेट को उनकी पॉलिसी, बिजनेस इकोसिस्टम क्या है, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम परफॉर्मेंस क्या है। इसमें यूजुअली कोस्टल स्टेट्स जो होते हैं, ये कोस्टल स्टेट्स हैं, ये इमर्ज एज बेस्ट परफॉर्मर होते हैं बिकॉज इनके पास सी है। सी होने के कारण इनकी अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ जाती है दिस एक्सपोर्ट में। 6 out of 8 कोस्टल स्टेट फीचर हैं top 10 रैंकिंग में। कौन कौन से 8 कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया है और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है इसका दिस लेंथ कितना है? आंसर दिस क्वेश्चन, 8 कोस्टल स्टेट्स हैं, तो उस 8 में से जो 6 हैं वो top 10 पे हैं एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स में। दिस इज़ वन थिंग, इससे पोटेंशियल MCQ बन सकता है। ये जो लैंडलॉक स्टेट हैं ये थोड़ा पीछे होते हैं, राजस्थान यहाँ पे number 1 आया है लैंडलॉक स्टेट की लिस्ट में। देन दिस इज़ अबाउट स्पोर्ट्स, दिस इज़ मेसी बार्सिलोना। सो दिस इज़ द हिंदू न्यूज़पेपर। नाउ दिस इज़ इंडियन एक्सप्रेस, ये आरबीआई का अगेन सेम रिपोर्ट है कि प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं दिस इकोनॉमिक ग्रोथ के। देन दिस इज़ अबाउट UGC वर्सेस स्टेट, अभी काफ़ी न्यूज़ में है। देन दिस इज़ G23 क्लोजर टू पीपल, एम्प्लॉयमेंट, टेक जॉब्स क्लोजर टू पीपल, देर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन एंड दैट सॉल्यूशन इज़ एम्प्लॉयमेंट, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। अनसर्विस्ड सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो होता है 1991 के रिफॉर्म के बाद सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग हुआ, ग्रोथ हुआ, एग्रीकल्चर डिक्लाइन हुआ और मैन्युफैक्चरिंग भी इतना ज़्यादा पिक नहीं हुआ, और ये सर्विस सेक्टर वर्स्ट हिट हो गया है COVID-19, तो ये इट्स नॉट गुड। देन दिस इज़ पेज नंबर 10, ये पेज नंबर 11 है, वैक्सीन नेशनलिज्म। ये बात अभी WHO में भी हमने देखा था, वैक्सीनेशन में भी नेशनलिज्म टेंडेंसी आ रही है विच इज़ नॉट राइट। ये ग्लोबल गुड्स हैं बिकॉज जो कोविड है ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता है नेशनैलिटी को, तो व्हाट्स वैक्सीन दिस नेशनलिज्म। देन ये है दिस इमरजेंसी क्लियरेंस ऑफ वैक्सीन इन मेकिंग, देन दिस इज टी सेल रेस्पॉन्स। ये है मैरिज एज एंड वुमेन हेल्थ, प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया था 21 से 21 करने का सोच रहे हैं, बट इसमें कुछ इश्यूज भी हैं, दैट इज़ नॉट द मेन, जो प्रॉब्लम है वो एज नहीं है, मेन प्रॉब्लम है दिस पॉवर्टी और न्यूट्रिशन, दिस इज़ द मेन प्रॉब्लम जिसके कारण हमारे यहाँ हेल्थ केयर इतना डिटीरियोरेट हो जाता है। अब ये न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट RBI। लास्ट ईयर RBI ने बहुत सारा पैसा सरप्लस सरकार को ट्रांसफ़र किया था, इस बात पे काफ़ी ज़्यादा सवाल भी उठे थे। अब इस बार जो है वो पैसा कम ट्रांसफ़र किया है RBI ने, बिकॉज ज़्यादा पैसा अब RBI ने कंटिनजेंसी फ़ंड की ओर रूट किया है। तो वॉट इज़ दिस कंटिनजेंसी फ़ंड? कंटिनजेंसी फ़ंड मतलब होता है इमरजेंसी टाइप ऑफ फ़ंड है, बिकॉज COVID-19 है, शार्प फॉल हुआ है, क्वांटम ऑफ दिस सरप्लस ट्रांसफ़र टू द गवर्नमेंट इन द
करंट ईयर जो आरबीआई है, आरबीआई बहुत सारा पैसा कमाता है बॉन्ड्स एंड यील्ड एंड देन इंटरेस्ट, इसमें जो सरप्लस होता है आरबीआई उसको ट्रांसफ़र कर देता है सरकार के पास। अब इस बार सरप्लस कम है तो कम पैसा ट्रांसफ़र हुआ है दिस गवर्नमेंट के पास, बिकॉज आरबीआई ने कुछ पैसा एक बड़ा चंक यहाँ पे फिक्स कर दिया कंटिनजेंसी के लिए। तो ये कंटिनजेंसी फंड है, इस बार इसका प्रपोर्शन इंक्रीज हो गया है। आरबीआई जो है वो यहाँ पे रिस्क प्रोविज़न, दिस कंटिनजेंसी फंड, गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन सब चीज़ों पे एम्फेसाइज कर रहा है बिकॉज जो कोविड 19 के कारण अनसर्टेनिटी है। तो दिस इज़ आरबीआई सीएफ। ये क्या होता है, ये अनफोर्सीन कंटिनजेंसी के लिए है कि अगर डेप्रिशिएशन हो गया सिक्योरिटी वैल्यू रुपी में, रिस्क आ गया मॉनेटरी एक्सचेंज रेट पॉलिसी में, या फिर स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बैंक के पास आएगी, क्योंकि ये लास्ट रिजॉर्ट है, आरबीआई लास्ट रिजॉर्ट है, सेंट्रल बैंक है, तो वो कंटिनजेंसी के लिए ये फंड ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहता है। तो यहाँ आरबीआई ने ज़्यादा पैसे यहाँ पे डाइवर्ट किए हैं। गवर्नमेंट को सरप्लस इस बार कम दे रहा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, जब 1.76 लाख करोड़ दिए थे, इस बार केवल 57,128 करोड़ ट्रांसफ़र हुए हैं। ये जो ट्रांसफ़र होता है इस पे सवाल उठे थे, बट ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है। सेक्शन 47 आरबीआई एक्ट बोलता है कि प्रॉफिट और सरप्लस है वो ट्रांसफ़र होगा गवर्नमेंट को आफ्टर मेकिंग वेरियस कंटिनजेंसी प्रोविज़न। ये कंटिनजेंसी प्रोविज़न इस बार ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिए हैं, तो सरप्लस कम हो गया। पब्लिक पॉलिसी मैंडेट ऑफ आरबीआई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करना ज़रूरी है। तो व्हाई डिड सरप्लस ट्रांसफ़र राइज लास्ट ईयर, लास्ट ईयर इंक्रीज़ हुए थे, इस बार इतना इंक्रीज़ नहीं है। आरबीआई की इनकम डिक्लाइन हुआ है इस ईयर, एक्सपेंडिचर है, दिस एंडेड विद सरप्लस ऑफ दिस मच विच विल बी ट्रांसफर टू गवर्नमेंट दिस ईयर। तो हैव अ रीड, दिस इज़ अबाउट दिस कंटिनजेंसी फंड, आरबीआई का रोल एंड ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस टू द गवर्नमेंट एंड कंटिनजेंसी इस बार इंक्रीज है। देन ये बात है डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब पैसे कमाए, सारे खर्चे आवश्यकता पूरी हो गई, अब बचेगी डिस्पोजेबल इनकम। तो ये डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउसहोल्ड्स है, ये एंटर नेगेटिव जोन में हो गई है फाइनेंशियल ईयर 21 में। क्राइसिस, सीवियर क्राइसिस है, डिक्लाइन है नेट फाइनेंशियल लाइबिलिटी का, वेलकम इन हाइंडसाइड है, अनवेलकम ट्रेंड्स हैं हाउसहोल्ड सेविंग बिहेवियर में। तो दिस इज अगेन वन ट्रेंड वी शुड अंडरस्टैंड, लाइबिलिटीज जो है दैट इज़ राइज है, 39% राइज हुआ है। तो डिस्पोजेबल इनकम जो है वो नेगेटिव जोन में पहुंच गई है फाइनेंशियल ईयर 21 में। नाउ ये इन्फोग्राफिक्स है इंडियन एक्सप्रेस में, दिस एक्सप्लेन सेक्शन, ये वर्ड सेक्शन है, दिस अबाउट यूएस पॉलिटिक्स, एंड देन इकोनॉमी में अगेन हेल्थ आईडी डेटा प्राइवेसी, ये जो अभी बात किया ड्राफ्ट पॉलिसी है इसको हम रिविजिट करेंगे, दिस इज हेल्थ आईडी डेटा प्राइवेसी। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है दिस प्राइवेसी का, पेशेंट्स टू बी एबल टू विदड्रॉ कंसेंट एनी टाइम भी यहाँ प्रोविजन है सरकार बोल रही है। देन दिस इज स्पोर्ट्स सेक्शन, स्पोर्ट्स मीनवाइल मीन अभी नो शो है। ये है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, इंडिया में बायोस्फीयर रिजर्व है, कुछ हैं जो वर्ल्ड नेटवर्क में यहाँ पे रजिस्टर्ड है, ये है नंदा देवी, ये है नोकरेक, ये है सुंदरबन, दिस इज सिमलीपाल, ये पचमढ़ी और अचानक मार अमरकंटक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये नीलगिरी है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है, और ये है अगस्त्या मलाई, और दिस इज ग्रेट निकोबार। तो ऐसे करके 11 हैं 18 बायोस्फीयर में जो रिजर्व है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में, यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में। तो रिमेंबर दीज नेम, दीज 11 नेम। ये वोकेबुलरी है, पहला वर्ड है दिस लुडिक्रस, इसका मतलब है कि बहुत हास्यपद है, बेतुका सा चीज है, दैट इज दिस वर्ड। एम्बेजल, ये वर्ड अभी हमने ओपेड में देखा था, एम्बेजल का मतलब गबन करना, दिस फ्रॉड करना सम फाइनेंसेस में, दैट इज दिस एम्बेजल। ये है फोर्थराइट, फोर्थराइट का मतलब होता है वो बहुत स्पष्टवादी है, क्लियर कट बात करता है, ही वॉज फोर्थराइट अबाउट हिज आइडियाज। जक्स्टापोज, इसका मतलब है जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ते हैं, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, इधर अफ्रीका एंड यूरोप है, ये दोनों अगर ज्वाइन करें तो ये जक्स्टापोज हो जाएगा, दिस इज एक साथ रखना, पास पास रखना, दैट इज जक्स्टापोज। एमिनिटी का मतलब है कि वहाँ पे क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, जैसे स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं एग्जाम्स देने के लिए, सेंटर्स काफ़ी कम है, होटल्स बंद है, ट्रांसपोर्टेशन बंद है, एमिनिटी साधन। सो दीज आर सर्टेन वर्ड्स वोकेबुलरी। ये है वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व का, ये अबाउट डिस्पोजेबल इनकम, नो दिस ट्रेंड, कई बार एमसीक्यूज आते हैं ट्रेंड बेस्ड, तो डिस्पोजेबल इनकम है ये कम है। आरबीआई है, नीति आयोग है, टाइगर डांस है, दिस इज अबाउट अनचार्टेड टेरिटरी, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, सोबरिंग असेसमेंट्स, कोविड 19, लोन मॉरेटोरियम स्कीम, कोविड 19 एंड एग्जामिनेशन। सो दिस इज
27th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.